भाई ये देखो बैक टू बैक ऑर्डर लगते रहते हैं, हाथ नहीं रुकता। ये मैंने देखा है यहाँ पे किसी का हाथ नहीं रुकता, काम चलता रहता है। आईपीएल के चौके छक्के चल रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो क्या बात है। ये देखो ताजी बनता है, ताजी बिकता हमारे। तो भाई शहर गाजियाबाद के अंदर घूम रहे हैं और गाजियाबाद का ना एक सुपर फास्ट ब्रेकफास्ट दिखाने के लिए लेके आए। मैं सुपर फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये ब्रेकफास्ट ना सुबह 6-7 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम को 3-4 बजे तक चलता रहता है। बड़ा ही शानदार है, बड़ी स्पीडों से यहाँ पे पूड़ियाँ लगती है जैसे आईपीएल का मैच चल रहा हो। आओ दिखाते हैं क्या खास, चलो मेरे साथ। भाई मैंने बोला था कि आईपीएल का मैच, आईपीएल के मैच की तरह यहाँ पे पूड़ियाँ बेली जा रही हैं। फटाफट स्पीडों से यहाँ पे पूड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। प्योर आटे की होती है पूड़ी, मसाला लगता है, आटे की होती है। अंदर मसाला भरा हुआ है। हाँ जी, तो एक बार दिखाना जरा, मसाला दिखाओ। देखो ये मसाला होता है जी, जो इसके अंदर स्टफिंग की जाती है। ये देखो बीच में सेंटर में देख रहे हो, ये स्टफिंग कर रखी है मसाले की। इसके अंदर दाल भी होती है भैया? हाँ, दाल का मसाला तैयार किया होता है। तो भाई यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद ये डो तैयार करके इधर भेज दिए जाते हैं बेलने के लिए। ये सिलसिला ना सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक चलता रहता है। पूड़ियाँ ऐसे उठा के फेंकी जा रही है। देखो स्पीड चेक करो भैया, बेस को पहले हाफ डन किया जाता है। हाँ जी, पहले हाफ फ्राई किया जाता है। तो पूड़ियों को पहले हाफ डन किया जाता है। जो ये देखो कितनी स्पीड से पूड़ियाँ अंदर जाते हुए नज़र आ रही होंगी आपको, ये देखो। और कढ़ाई नहीं है ये, मैं कह सकता हूँ जी कढ़ाया लगा हुआ है। कढ़ाई का साइज देखो कितना बड़ा कढ़ाया है। तो लगातार पूड़ियाँ तलती जा रही हैं यहाँ पे और कढ़ाई में अंदर हाफ डन करके निकाली जा रही है पूड़ियाँ। और जो रंगत आ रही है ना पूड़ियों की, दोबारा से फ्राई किया जाता है। दोबारा फ्राई इसलिए किया जाता है, एक तो पूड़ी एकदम खस्ता निकलती है, करारी निकलती है और कलर बड़ा सुंदर आ जाता है। ये देखो जी, ये गोल्डन पूड़ियाँ एकदम तैयार हो चुकी हैं जी। तो भाई ये वाला सिलसिला सारा दिन चलता रहता है पूड़ियों का, ये एक तरह का मैच है। ये देखो ये स्पेशल पूड़ी है, डबल पूड़ी बोला जाता है इसको, इसका साइज डबल कर दिया। तो भाई बड़े बड़े ड्रमों के अंदर ना इन्होंने सब्जियां भरी हुई हैं। और तो भाई दो तरह की सब्जियां मिलती हैं और ये देखो जी ये सब्जियों की फिलिंग करी जा रही है। ये देखो नज़ारा बड़ा शानदार। और यहाँ मैं घुमा के दिखाता हूँ कैमरा, देखो जितने लोग बैठे हैं, जितने खा रहे हैं लोग, सबके हाथ में पूड़ियाँ हैं, सब लंच कर रहे हैं। लंच के टाइम पे आता है कोई, आता है जी ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और ये सिलसिला सारा दिन चलता रहता है। तो भाई ये माहौल चल रहा है यहाँ पे जैसे भंडारा चल रहा हो, पंगत बैठी है, पंगत में लोग बांटा जा रहा है। ये देखो जी भाई ये कौन सी सब्जी है? ये पेटे की सब्जी है, सीताफल। सीताफल की सब्जी है जी, क्या बात है जी, सीताफल की सब्जी। और कौन सी सब्जी देते हो साथ में? वो आलू की है, ये चटनी होती है, ये होती है आमचूर की चटनी। हाँ जी, क्या बात है जी। ये हरी मिर्च है, ये हरी मिर्च का अचार है। खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है, बनना है, बन रहा है। हाँ। क्या बात है। तो ये देखो जी, ये है जी रायता, बूंदी वाला रायता होता है। ये देखो, और ये आलू की सब्जी देखो, एकदम हरी मिर्च का तड़का तुड़का मारा हुआ, ऊपर से रोगन चमकता हुआ। ये देखो सब्जी लेना भैया। ये देखो ये शानदार लग रहा है, बड़ा माहौल। तो भाई बड़ा प्यारा सेटअप है। और ये देखो जी बाहर इन्होंने बरांडा बना रखा है, बरांडे में पूड़ियाँ तलने का हिसाब किताब रखा हुआ है, वहाँ काउंटर लगा हुआ है, कैश काउंटर, और अंदर सिटिंग है। सिटिंग देखो आराम से मज़े से लोग इंजॉय कर रहे हैं। पूड़ियाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ आ रही हैं, आपके काउंटर पर ही सर्व की जाती है। गर्मा गर्म पूड़ियाँ और गर्म गर्म सब्जी आपके काउंटर पर ही सर्व की जाएगी। और ये देखो जैसे ये भाई है, देख रहे हो, सबसे पूछ रहा है जी सब्जी कितनी चाहिए, और डाल देते हैं सब्जी। ये देखो ये आगे जी आलू की सब्जी देखो रिफिल करती हुई। खाने वालों की दीवानगी है ना उतनी, पैक करवाने वालों की भी दीवानगी। यहाँ पे फटाफट लोग पूड़ियाँ पैक करवा के लेके जा रहे हैं क्योंकि लंच टाइम चल रहा है। कोई परवाह नहीं है जी, लंच टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। आईपीएल के चौके छक्के चल रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो क्या बात है। ये देखो ठंडा तेल डाला, फिर अब गर्म तेल को निकाल के ना उसको टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है। तो जी पूड़ियों के अलावा और क्या होता है यहाँ पे, लोग क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? ये गुलाब जामुन है, ये केसर वाला मोन वो है, ये प्लेन वाला है, ये घिया लौंज है, वो ब्लैक केक है, ये सोन पापड़ी है। ताजी बनता है, ताजी बिकता हमारे। तो भाई ये देखो जी ये रिफिल करते दोबारा से गुलाब जामुन। भाई जितनी पूड़ियाँ लोग खाते हैं ना,
पूड़ियाँ खाने के बाद ना लोग इनके गुलाब जामुन तो खाते ही खाते हैं। तो भाई ये देखो बैक टू बैक ऑर्डर लगते रहते हैं, हाथ नहीं रुकता। ये मैंने देखा है यहाँ पे किसी का हाथ नहीं रुकता, काम चलता रहता है सुबह 8 से 8 बजे लेके दोपहर के 4 बजे तक इनका ये काम चलता रहता है। तो भाई सबसे पहले आपका जो काम है ना, आपने बैठना टेबल पे, आपको ये पत्तल मिल जाएगा, कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, पत्तल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके टेबल पे आ जाएगी सब्जी। ये देखो ये आ गई जी आलू की सब्जी, ये आलू की सब्जी रिफिल कर देते हैं। ये आ गई जी सीताफल की सब्जी, पेठे की सब्जी। तो भाई उसके बाद आ जाती है पूड़ियाँ, ये 40 रुपए की 5 हैं। हाँ जी। तो भाई छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं, आटे की पूड़ियाँ हैं जो इसके अंदर मसाले की फिलिंग कर रखी है। और ये देखो छोटे साइज की पूड़ियाँ देख रहे हो, ये देखो छोटी छोटी पूड़ियाँ 40 रुपए में, ऐसी पूड़ियाँ कि आप खाते ही कहोगे वाह। सबसे पहले नाश्ते का टाइम होता है तो इसी को ही ट्राई करते हैं हम। तो भाई ये छोटी छोटी पूड़ियाँ आ गई हैं जी अपने हाथ में, ये देखो ये पूड़ियाँ हैं जी। 40 रुपए का ऐसा ब्रेकफास्ट है गाजियाबाद में, ऐसा ब्रेकफास्ट इनके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखो बात बनी नहीं, एक बाइट और लेता हूँ। ये देखो आप रश चेक करो, कितना रश रहता है यहाँ पे। सुबह के टाइम आओगे ना आपको 10 से 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा बाहर खड़े होकर, क्योंकि पूरा जैम पैक रहता है एकदम फुल। भाई सीताफल की सब्जी एकदम जो होती है ना मीठी खट्टी मिट्टी होती है जो, वैसे ही टेस्ट है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 40 रुपए के अंदर, 80 रुपए के अंदर भी ना ऐसा नाश्ता आपको पूरे गाजियाबाद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। लाजवाब जायका है, शानदार जायका है। कभी भी गाजियाबाद में आओ ना ये जायका बिल्कुल ट्राई करके जाना। सुबह 8 बजे लेके शाम को 4 बजे तक आपको ये मिलेंगी पूड़ियाँ, साथ में मिलेगी 2 तरह की सब्जी, अचार मिलेगा। और ये आखिरी में ना ये चीज़ मत भूलना, ये गुलाब जामुन के चाचा जी हैं। ये देखो वो मोहन भोग कहा जाता है, इससे भी कई गुना लाजवाब शानदार है ये। भाई मैं लेता हूँ इस चीज़ का आनंद, आपको आनंद लेना है यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ का फ़ोन नंबर गूगल लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वीडियो ऑन करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह कुछ नई वीडियो लेके मिले, तब तक के लिए टेक केयर।